ASN24 पल पल की खबर। 17 अगस्त को नवजीवन नर्सिंग होम में डॉक्टरों से मारपीट करने के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी में लेट लतीफी को लेकर आज बुधवार को चिकित्सकों की संस्था IMA की कोरबा इकाई ने नगर के समस्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के OPD को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। कोरोना संकट काल में चिकित्सकीय सेवा ठप्प होने से पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ADM के साथ बैठक के बाद IMA के सदस्य डॉक्टर शांत हुए और हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। दरअसल नवजीवन नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर रोहित बंछोर ने 17 अगस्त को दर्री रोड निवासी एक महिला की प्रसूति करवाई थी। प्रसूति के दौरान बच्चे की मौत हो जाने पर महिला के परिजनों द्वारा डॉक्टर बंछोर और उसके स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत डॉक्टर और स्टाफ द्वारा दर्ज कराई गई थी। 17 अगस्त की इस घटना को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा एवं संपत्ति की क्षति संशोधन अधिनियम 2010 के तहत गैर जमानती धारा लगाते हुए प्रकरण को दर्ज किया था, लेकिन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पुलिसिया कार्रवाई की लेट लतीफी को देखते हुए IMA ने निर्णय लिया था कि जब तक मामले में उचित कार्यवाही नहीं होती तब तक OPD बंद रखी जाएगी। जैसे ही IMA ने OPD बंद करने की घोषणा की तो रात एक आरोपी को और आज दोपहर एक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार IMA ने हड़ताल खत्म कर दी। IMA कोरबा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र साहू ने मीडिया से कहा कि कोरोना काल में भी डॉक्टर लोगों की सेवा कर रहे हैं, बावजूद इसके लोगों द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट की जा रही है जो बर्दाश्त के बाहर है। इन्हीं बातों को लेकर OPD बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, जो अब आरोपियों की गिरफ्तारी और ADM साहब के साथ बैठक के बाद खत्म कर दी गई है। ये घटना 17 तारीख की है और 17 तारीख के बाद में मारपीट होने के बाद में हम लोगों ने प्रयास किया था प्रशासन से बात करने के लिए, पुलिस से बात करने के लिए, मगर काफी लेट उनका FIR दर्ज किया गया। लेट FIR दर्ज करने के बाद में भी दो दिन हम लोग और इंतजार करते रहे, जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो सभी डॉक्टर लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो गया और वो सभी डॉक्टर स्वयं बोलने लगे कि हम ऐसे हालत में नहीं चलाएंगे क्योंकि मारपीट हो रहा है। 5 महीने से हम लोग कोरोना के कारण से सफ़र कर रहे हैं, लोग हमारे अस्पताल में आते हैं बिना मास्क के आते हैं और उनको मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तो इन परिस्थितियों से डॉक्टर थोड़ा सा ऐसे ही भय के माहौल और डराना डर और लड़ाई झगड़े के समय में सब्र और काम चल रहे थे। उनके बावजूद भी प्रशासन के बोलने के कारण से हम लोग सब काम को चला रहे थे, कर रहे थे, फिर भी उसके बाद में डॉक्टर को मारपीट भी हो जाए और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो तो सभी डॉक्टर उद्वेलित थे। इस कारण से ये अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। हम लोगों की इच्छा नहीं थी ऐसा हो, मगर मजबूरी बस सभी डॉक्टर लोगों ने बोले हम तो बंद कर देंगे, नहीं करेंगे काम ऐसा करके बोलने लग गया, तो IMA को निर्णय लेना पड़ा कि इस परिस्थिति में हम लोग स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक हमने आज के लिए की थी और इसका सुखद परिणाम ये निकला कि एक रात को ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और दोपहर को दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जो नई धाराएँ हैं वही धाराएं लगाई गई हैं, गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, तो ये ठीक है, इससे हम संतुष्ट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आगे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता रहेगा और त्वरित कार्य भी करेगा जिससे डॉक्टरों में जो भय का माहौल है वो निकल जाए और निर्भीक होकर मानव सेवा करते रहे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद एसोसिएशन ने क्या निर्णय लिया सर? हम कल से अपने OPD और सभी सेवाएं कल से प्रारंभ कर देंगे, आज से ही प्रारंभ कर देंगे। जैसे निर्णय हुआ है कि हम अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे करके, तो अधिकांश नर्सिंग होम जिनके यहाँ व्यवस्था है, जो इमरजेंसी देखते हैं और OPD देख सकते हैं, वो सभी अपना अपना कार्य चालू करने के लिए उन्हें बता दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN24।